बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वैक्सीनेटर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। आज 10 जून 2023 को वैक्सीनेटर का पेपर एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस ने मुनक्किद किया था। इसके कुछ सवालात हमें ओरिजिनल पेपर की सूरत में मिले हैं, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत से कैंडिडेट्स ने हमें क्वेश्चंस लिखकर भेजे हैं, लेकिन ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ हम ओरिजिनल पेपर्स को ही डिस्कस करते हैं। जब तक हमारी अपनी तसल्ली ना हो जाए कि ये ओरिजिनल पेपर है, तब तक हम उसे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं करते। चलते हैं और जितने भी क्वेश्चंस हमें मौसूल हुए हैं, वो तमाम के तमाम डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। वीवर जी, आपके सामने वैक्सीनेटर पेपर की कुछ परतें मौजूद हैं। ये आप जैसे कैंडिडेट्स ने ही हमें भेजी हैं, व्हाट्सएप पर ये पेपर हमें मौसूल हुआ है। ये पेपर जितना हो सका हम आपके साथ वजाहत के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से सवालात जो हैं वो रीडेबल नहीं हैं। जो रीडेबल हैं, इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ पूरे मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपके पास फ्यूचर में किसी भी असामी का, किसी भी पोस्ट का, चाहे वैक्सीनेटर है या कोई भी पाकिस्तान की पोस्ट है, उसका ओरिजिनल पेपर मौजूद है, तो वो ओरिजिनल पेपर ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर सेंड करें। इंशाल्लाह ताला उस पेपर को मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। रकबा के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सूबा बलोचिस्तान है। ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है। व्यूअर्स नोट कर लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सूबा बलोचिस्तान को 1 जुलाई 1971 को कायम करने का फैसला किया। बहुत से पेपर्स में डेट पूछी गई है, सूबा बलोचिस्तान को कब बनाया गया। 1971 में इसे बनाने का फैसला किया गया था और इसका कुल रकबा 3,97,140 मुरब्बा किलोमीटर है। बलोचिस्तान रकबा के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जबकि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क कौन सा है। व्यूअर्स, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी जो मुस्लिम कंट्री है वो इंडोनेशिया है। ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। इंडोनेशिया की कुल आबादी 273.8 मिलियन है। व्यूअर्स, अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जो है वो काजकस्तान है। काजकस्तान का कुल रकबा 27,24,900 मुरब्बा किलोमीटर है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने वैक्सीनेटर पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स किताब तैयार की थी। इस किताब में तमाम के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स हमने मुकम्मल वजाहत के साथ शामिल किए थे। ई टेस्ट अकेडमी की जानिब से वैक्सीनेटर के तैयार शुदा इन नोट्स में मौजूदा 10 जून 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट वैक्सीनेटर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं, तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे वैक्सीनेटर के नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 3, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में सबसे छोटा बर आजम जो है वो बर आजम ऑस्ट्रेलिया है। बर आजम ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा 7.692 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप आबादी के लिहाज से देखें या रकबे के लिहाज से देखें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी, दुनिया का सबसे बड़ा बर आजम एशिया है। क्वेश्चन नंबर 4, अ येलो कैब स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच प्राइम मिनिस्टर। वो कौन सा वजीर आजम था जिसने येलो कैब स्कीम मुतारिफ करवाई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने येलो कैब स्कीम तारफ करवाई थी। ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। व्यूअर्स, येलो कैब स्कीम जो है ये एजुकेटेड बेरोजगार लोगों के लिए एक स्कीम अनाउंस की गई थी, जिसमें 20,000 के करीब कैब्स जो हैं वो ऐसे लोगों को दी गई जो एजुकेटेड थे, ताकि वो अपना रोजगार चला सकें। येलो कैब स्कीम को कोटा सिस्टम के तहत कायम किया गया था। कोटा सिस्टम से मुराद ये है कि तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट में जितनी आबादी थी, उस आबादी को मद्देनजर रखते हुए कोटा दिया गया था कि फलां डिस्ट्रिक्ट में, फलां तहसील में इतनी गाड़ियां दी जाएंगी, इतनी कैब दी जाएंगी और फलां डिस्ट्रिक्ट में इतनी कैब दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है। ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब है। व्यूअर्स, इसके अलावा ढाका जो है ये बांग्लादेश का कैपिटल है। न्यूयॉर्क यूएसए का कैपिटल था।
और मॉस्को जो है ये रशिया का कैपिटल है। वीवर्स यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, जितने भी पेपर्स आप वैक्सीनेटर के चेक करना चाहते हैं चेक कर लें, तमाम में मुख्तलिफ ममालिक के कैपिटल्स पूछे गए हैं, इसलिए कैपिटल्स के टॉपिक को लाजमी तैयार करें आप लोगों की आसानी के लिए। आपके सामने स्क्रीन पर आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर एक आई बटन शो हो रहा है, उस आई बटन पर आप क्लिक करें, यहाँ से आपको कैपिटल्स के नाम से एक वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में हमने उन तमाम कैपिटल्स को डिस्कस किया है जो पेपर्स में बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस कैपिटल वाली वीडियो को लाजमी देखें। इस एक वीडियो को देखने से आप आने वाले पेपर्स में 3, 4, 5 नंबर आसानी से ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये बल्तिस्तान रीजन में वाकया है, इन चारों में से ऑप्शन बी जो है वो ज्यादा सूटेबल है। इसके अलावा व्यूवर्स कई पेपर्स में कराकरम रीजन दिया गया है, अगर पेपर में कराकरम रीजन दिया गया हो तो आपने कराकरम रीजन पर टिक करना है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लद्दाख का हिस्सा है और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुतनाजा जगह है। सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1988। 1988 में गुलाम इसहाक खान जो है ये पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स बहुत से पेपर्स में 1988 में जो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए उनका पूछा गया जो कि गुलाम इसहाक खान है, और बहुत से पेपर्स में प्राइम मिनिस्टर का पूछा गया है। 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब किया गया था। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें गुलाम इसहाक खान जो है ये पाकिस्तान के 7वें सदर थे। वीवर्स ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.pk के वेबसाइट पर आपको तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। किसी किस्म की बुक परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमारी etest.com.pk से तमाम पेपर्स तैयार कर सकते हैं। तमाम के तमाम करंट एंड पास पेपर्स हमारी etest.com.pk के वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप चलते फिरते उठते बैठते ड्यूरिंग जॉब आप स्टडी करना चाहते हैं, पेपर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी etest मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। etest मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जिस तरह से व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह आप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी etest मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी इम्तिहान को किसी भी इंटरव्यू को पास करने के लिए अपने आप को अप टू डेट रखें। अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए आप etest अकेडमी का etest फेसबुक पेज इंस्टाग्राम ट्विटर टिकटॉक लाइक की स्नैक वीडियोज वगैरह लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर etest अकेडमी का etest के नाम से अकाउंट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल लेंथ ऑफ पाक चाइना बाउंड्री लाइन। पाक चाइना बाउंड्री लाइन की जो टोटल लेंथ है वो 596 किलोमीटर है। पाक चाइना बॉर्डर जो है ये 596 किलोमीटर या 370 मील पर मुश्तमिल है। बहुत से पेपर्स में किलोमीटर के हवाले से पूछा गया है और चंद पेपर्स में मील्स के हवाले से माइल्स के हवाले से भी पूछा गया है। किलोमीटर और माइल्स दोनों वैल्यूज दोनों लेंथ याद रख लें, ये ना हो कि आप आने वाले पेपर्स में कंफ्यूज हो जाएं, आप किलोमीटर याद कर लें और आने वाले पेपर्स में माइल्स के हवाले से पूछ लिया जाए। वीवर जी जो बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वाकया है, इस बॉर्डर लाइन को साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत 1963 में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ पंजाब। पंजाब की इस वक्त 2023 में 11 डिविजन्स हैं। पहले 9 डिविजन्स हुआ करती थी, अब बढ़ाकर ये तकरीबन 11 डिविजन्स कर दी गई हैं। इसके अलावा तहसीलों की तादाद भी बढ़ गई है। इजला जो है वो 36 थे, अब 42 हो गए हैं। तहसीलें जो है वो बढ़कर 150 हो गई हैं। इस तरह काफी सारी जो है जियोग्राफिकली चेंजेस आई हैं, ये 2023 के मुताबिक है। अगर फ्यूचर में डिविजन्स की तादाद, इजला की तादाद या तहसीलों की तादाद कम या ज्यादा हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुबह पंजाब की 11 डिविजन्स में बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, मियांवाली, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोधा डिविजन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वायरस कैन बी सीन ओनली बाय यूजिंग डैश। वायरस को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो वायरस होता है ये सेलुलर एंटिटीज हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आम आंख से नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा कुछ पेपर्स में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन का पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 1931 में 2 जर्मन साइंटिस्ट ने ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 11, लीवर आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पिवट, एफर्ट एंड लोड। वीवर्स, यहां पर ऑप्शन डी सही जवाब है। अगर आपने कभी फलक्रम को देखा है, कभी आपने लीवर की क्लासिफिकेशंस देखी हैं, तो आप देखेंगे एक साइड पर एफर्ट होती है, एक साइड पर लोड होता है और दरमियान में पिवट होता है।
ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। ये जो लीवर की क्लासेस हैं, इन्हें तीन स्टेजेस में, तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर शामिल है। बहुत से पेपर्स में इसकी क्लासिफिकेशन की, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन पूछी गई हैं और बहुत से पेपर्स में इनके नाम पूछे गए हैं। दोनों पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेयर बिलो वाटर टेबल इज सॉइल, ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। इसके अलावा व्यूअर्स, कुछ पेपर्स में शॉर्ट डिटेल वाले सेंटेंसेस जो है वो एमसीक्यूज में पूछे गए हैं, ये भी आप याद कर लें। अंडरनीथ द वाटर टेबल मीन सैचुरेटेड जोन। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें, द वाटर इज फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इसके साथ ही व्यूवर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीनेटर 10 जून 2023 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और हमारी पूरी कोशिश है एक एक क्वेश्चन को हम मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि ये जो वीडियोस ई टेस्ट एकेडमी अपलोड करती है ये सिर्फ एक दिन के लिए या दो दिन के लिए अपलोड नहीं की जाती। ये हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि आने वाले 10, 20, 30 साल के बाद भी अगर कोई कैंडिडेट हमारी वीडियो देखे तो उसका ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन फायदा हो। इसलिए हम हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करते हैं। ये जरूर है कि हमारी वीडियोज ईटेस्ट यूट्यूब चैनल की वीडियोज थोड़ी लेट जरूर होती हैं, लेकिन मुकम्मल वजाहत के साथ होती हैं। और जिस तरह नॉलेज आपको ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर डिलीवर किया जाता है, इस तरह नॉलेज आपको पूरे YouTube चैनल पर कोई भी चैनल प्रोवाइड नहीं करता। इसके साथ साथ व्यूवर्स, अगर आपने ईटेस्ट YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।